गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंबाइंड सेंटेंसेस। अब कंबाइंड सेंटेंसेस में कंबाइंड प्रेजेंट भी होता है, कंबाइंड पास्ट भी होता है और कंबाइंड फ्यूचर भी होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड पास्ट की। ठीक है, तो इस वीडियो में आप कंबाइंड पास्ट के एग्जांपल देखेंगे। देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें डबल सेंटेंसेस जुड़े होते हैं, ठीक है, और दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट से कनेक्टेड होते हैं, पास्ट टेंस के होते हैं। तो उसको देख के कुछ बिगिनर्स जो होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है कि कैसे बनाएं, कैसे करें। तो उसके लिए वीडियो आप देखेंगे और आप आराम से कंबाइंड सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, जब मैं उसके घर पहुंचा तो राम टीवी देख रहा था। देखिए, यहां पे दो बातें चल रही हैं। एक तो मेरे किसी के घर पहुंचने की बात चल रही है कि जब मैं उसके घर पहुंचा, दूसरी बात चल रही है राम टीवी देख रहा था। तो ये कंबाइंड सेंटेंस हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंस अगर आपके सामने आए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे? जब मैं उसके घर पहुंचा, यहां पर हमारी बात थोड़ी सी कंप्लीट नहीं होती है, ये इनकम्प्लीट है, यानी कि ये सेंटेंस अधूरा है। अगर हम इसके आगे का सेंटेंस ना बोलें कि जब मैं उसके घर पहुंचा तो, उसके बाद हमारी बात कंप्लीट नहीं होती है, तो हम इसे मान लेंगे अधूरा सेंटेंस। राम टीवी देख रहा था, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम इस सेंटेंस में से इस सेंटेंस को हटा भी दें कि जब मैं उसके घर पहुंचा, तो इस सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राम टीवी देख रहा था। तो हमें क्या करना है? पहले हमें राम टीवी देख रहा था इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। जो आपका कंप्लीट सेंटेंस है, पहले आपको उसको ट्रांसलेट करना है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ये रहा था, रही थी, रहे थे, सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जैसा ये दिख रहा है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस की पहचान इसमें दिख रही है, आप इसे वैसे ही बनाएंगे। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, देख रहा था वर्ब है और टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस बना, राम वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको टेंस आते ही होंगे। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस कैसे बनाना है? जब मैं उसके घर पहुंचा, यहां पर जब का मतलब है वेन। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्टर का काम करेगा, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेगा। राम वॉज वॉचिंग टीवी वेन, जब मैं उसके घर पहुंचा, आ की मात्रा, पहुंचा, तो ये हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसे आप ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मूले से, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वेन आई रीच्ड हिज होम। ठीक है, तो जब आपके कंबाइंड सेंटेंस आते हैं पास्ट के, तो आपको क्या करना होता है, एक बार दोबारा समझ लें। आपको सेंटेंस को दो हिस्से में बांटना है, उसमें से अधूरा सेंटेंस यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस और पूरा सेंटेंस, इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। पहले आप पूरे वाले को बनाएं, टीवी देख रहा था, राम टीवी देख रहा था, ये कंप्लीट सेंटेंस है, राम वॉज वॉचिंग टीवी। उसके बाद अधूरे सेंटेंस को बनाएं, वेन आई रीच्ड होम, वेन मतलब जब। ठीक है, तो कंबाइंड पास्ट को ऐसे बनाना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब यहां पर भी दो बातें चल रही हैं, एक तो मेरे स्टेशन पर पहुंचने की बात चल रही है और दूसरी बात चल रही है कि गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, तो यहां पर भी सेम चीज करनी है आपको, सेम काम करना है कि पहले पूरे वाले सेंटेंस को बनाना है कि गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट होता है, उसमें हम हैड का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हमने वही किया यहां पे, द ट्रेन हैड लेफ्ट मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले। ये जो पहले है, ये यहां पर कनेक्टर का काम कर रहा है, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो इधर वाला सेंटेंस है, जो आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस है, वो पास्ट इनडेफिनिट से बनाना है आपको। ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट, तो यहां पर भी हमने वही फॉर्मूला यूज करा है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट,
बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, जो आपका कंप्लीट सेंटेंस है वो पास्ट के किसी भी टेंस का हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि जो आपका कंप्लीट सेंटेंस है वो इंडेफिनिट का हो सकता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में हो सकता है परफेक्ट में हो, और हो सकता है परफेक्ट कंटिन्यूस में। वो जिस भी टेंस में है आप उसको एज इट इज बनाइए, जो कंप्लीट सेंटेंस है आज उसको एज इट इज बनाइए, लेकिन जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि आप पहले पूरा सेंटेंस बनाएं बाद में अधूरा सेंटेंस बनाएं, बट ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ऐसी कोई पक्की बात नहीं है कि आपको ऐसे ही चलना है। आप चाहें तो पहले अधूरा सेंटेंस भी बना सकते हैं और बाद में पूरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो अधूरे सेंटेंस को बनाने के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और कि जो कंबाइंड सेंटेंस है उसमें ज्यादातर आपको ये दोनों शब्द देखने को मिलते हैं, जब और पहले, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो कंबाइंड पास्ट आपको समझ में आ गया होगा, दो तीन बार इस वीडियो को देख लेना, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर किए जाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।